पूछा किसी ने हाल तो आंसू निकल पड़े। फितरत की मकासिद की करता है नगहबानी, फितरत की मकासिद की करता है नगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्द कोहिस्तानी। मेरे वाजिब अल-एहतराम मुआज़्ज़ज़ीन इलाका, अज़ीज़ तलबा, वक्त इंतहाई कम है। दिल तो चाहता था बहुत सारी बातें आज इस महफिल में मैं कर जाऊं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत ही मशकूर हूं कि उन्होंने इस समंदर को कूजे में बंद किया। आप लोगों ने जो प्रोग्राम रखा मेरे लिए तो समंदर से भी बड़ा है। मीर सलम साहब ने जिस अंदाज में बात की, फिर उसके बाद बाद में सोचता रहा कि मैं किस एंगल से क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने उस पूरे समंदर को कूजे में बंद किया है और मैं एक छोटे से कूजे को समंदर में बंद करके इजाज़त चाहूँगा। मैं जो बच्चे ने कहा कि जिस ज़माने में हम कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 में इंटर हुए, उस वक़्त सारे लोग वहाँ से निकल रहे थे, उस वक्त क्लास के अंदर लेक्चर पहले लेक्चर के दौरान हमें जो सर ने अल्फाज अदा किए वो मैं कभी नहीं भूलूँगा। बॉटनी का लेक्चर था, सर का नाम मैं भूला हूँ। उन्होंने हमें कैरियर काउंसलिंग, जिसके लिए आज मैं और आप जमा हैं, आप सुनने के लिए बैठे हैं, उन्होंने एक अल्फाज अदा किया, एक लफ्ज़ कहा था, स्टूडेंट बने, स्टूडेंट बने, लेकिन स्टूडेंट ऐसे बने जैसे कोहिस्तान का जुल्फिकार बना है। उसके बाद आज तक उस जुल्फिकार को मैंने देखा नहीं है, लेकिन कई जगहों पे मैंने उनका नाम लेके अपनी इज्जत बचाई है, क्योंकि क्योंकि आजकल शायद अल्लाह ने मुझे जितनी इज्जत दी है मैं उसका काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन बड़े महाज पे कोहिस्तानियों का मुझे दिफा करना पड़ता है और मैं फंसता हूँ बुरी तरह। नाराज़ ना हो। एक वाकिया है, हफीज़ साहब ने जिस जज्बात का इजहार किया, बहुत सारी बातें करने को तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कहने को तो बहुत सारी होती है, करना बहुत मुश्किल होता है। जब बंदे पे पड़ती है तो फिर पता चलता है कि ये काम कैसे किया जाता है। इस वाक्य के लिए मैं बस आखिरी ये एक वाकिया है, इतना टाइम अगर आपने लिया है तो प्लीज़ सिर्फ 1-2 मिनट। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से गालिबन किसी ने, एक बंदे ने आके कहा, आप हकीम हैं, मेरे बेटे को एक बीमारी है, गुड़ का दीवाना है, गुड़ के बगैर खाए जिंदगी उनकी नामुमकिन है, तो आप कोई इलाज बता दें। उन्होंने कहा आप इस तरह करें, फिर आना। तारीख दी, गया, वापस हुआ। लंबे मुसाफत के बाद जब वो वापस आया, फिर हकीम उलुमत के सामने उस बच्चे को पेश किया, तो हकीम उलुमत ने सिर्फ एक बात कही कि बेटा आज के बाद गुड़ न खाना। तो बंदा भी परेशान हुआ कि गुड़ न खाना, इलाज कहाँ है? तो हकीम उलुमत ने कहा इलाज हो गया है, आप चले जाएं। तो कहा आपने इतना लंबा सफर करवाने के बाद ये लफ्ज कहना था तो पहले ही कह देते ना, क्यों नहीं कहा पहली दफा आपने? तो उन्होंने कहा कि जी, जब कोई बंदा कोई बात खुद कहे और करे ना, तो उस बात की कोई हैसियत नहीं रहती। मैं गुड़ खुद खाता था तो मैं इस बच्चे को कैसे कहूं कि गुड़ ना खाओ? आज के बाद मैंने ये वादा किया है कि मैं गुड़ नहीं खाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा भी आज के बाद गुड़ नहीं खाएगा। ये बात मैंने अपने लिए की है। मैं एक टीचर होने की हैसियत से सबसे बड़ा माफिया आपकी कैरियर काउंसलिंग में हमारा है, नकल माफिया जो हम दे रहे हैं। कहने को तो मैं कहूँगा नकल बड़ा वो है, ये है, वो है, वो है, ये है, वो है। जब मेरा भाई बेटा सामने होगा तो मैं नकल के लिए सबसे पहले सामने आ जाऊँगा और आगे मैं तकरीर कर लूँगा नहीं। तो आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि जो नकल माफिया चल रहे, मैंने पहले भी अपने आप को कोशिश की है कि इससे बहुत दूर रहूं, किसी हद तक रहूं, आइंदा के लिए भी नकल के ज़ुमरे में,
न मैं किसी को कोई ऑब्जेक्टिव सेंड करूंगा, न मैं बताऊंगा, न मैं एग्जामिनेशन हॉल में किसी को ये काम करने दूंगा। और इसके अलावा जो आपकी कैरियर काउंसलिंग की जो बात है, उसके लिए मैं एक तजवीज़ दूंगा। टाइम इंतहाई कम है, 3 Idiots नामी एक मूवी है, उस मूवी को आप शुरू से आखिर तक देख लें। उसमें सब कुछ मौजूद है कि आपको क्या बनना है, कैसे करना है। और जो मैंने 2 अशार पढ़े थे कि कोहिस्तान की शिकस्त साज से नगमे उबल पड़े, पूछा किसी ने हाल तो आंसू निकल पड़े, एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ से अलामा इकबाल ने कहा है कि फितरत की मकासद की करता है नगहबानी, बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। वो मर्द कोहिस्तानी मुझे डॉक्टर जरीन साहब नज़र आते हैं, वो मर्द कोहिस्तानी मुझे जुल्फिकार नज़र आते हैं, वो मर्द कोहिस्तानी और भी बहुत सारे हीरे हैं। अब ये मर्द कोहिस्तानी ख़त्म कैसे हुए, क्यों हुए, आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं? माजरत के साथ एक बात है, हमें मौलाना क्या नाम है, उबैदुल्ला जान साहब के वालिद मोहतरम, नाम जहन से उतर गया, उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा कोहिस्तान के लिए दिया था, 5 सीटें कोटे की दी थी। अब जिस तरह इस बंदे ने बात कहा, इन्होंने कहा कि बात के हमारा मसला ये कोहिस्तानी सब पीछे पड़ते, अब भी हम पड़े हुए हैं। डॉक्टर बनना, कई लोग मुझे फोन करके थे, मैं पुश डॉक्टर सनू, मैं पुश तू डॉक्टर संसद शो है उस्ताद से, डॉक्टर बनाना है। तो ये डॉक्टर बनाने के लिए जो 5 कोटा हमें मिला, जिसकी वजह से हमें बच्चा पैदा होने से पहले डिसाइड करते हैं कि मेरा बेटा पैदा हो जाएगा डॉक्टर बनेगा, इस वजह से हमने इस्लामिया कॉलेज का मुंह नहीं देखा, गवर्नमेंट कॉलेज का मुंह नहीं देखा, टीचरों को नहीं देखा, प्रोफेसरों को नहीं देखा। मुझ जैसे टीचर से पढ़ के सारी रात ताश खेल के, लड्डू खेल के, 11-12 बजे नाश्ता करके, ट्यूशन सेंटर के अंदर आकर प्रोजेक्टाइल पढ़ के, ऐसे नहीं बना जाता। उसके लिए आपको जाना होगा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, इस्लामिया कॉलेज पिशावर, एडवर्ड कॉलेज जाना होगा, आपको पूरे पाकिस्तान में घूमना होगा, तब जाके मर्दे कोहिस्तानी बनेंगे। इन बातों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, वस्सलाम।